हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम फूड रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे लौकी चना दाल की ग्रेवी वाली सब्ज़ी। कुछ लोगों को लौकी खाना पसंद नहीं होता और ख़ासकर छोटे बच्चे तो लौकी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करके ये सब्ज़ी बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। इस सब्ज़ी को बनाना बहुत ही आसान है, लंच या डिनर में आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने गैस पर एक कुकर गर्म करने रख दिया है, जिसमें मैंने 6 बड़े चम्मच जितना तेल डाला है। अब इस तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो जाए उसके बाद इसमें एक सूखी लाल मिर्च, एक तेज पत्ता, आधे इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 2 लौंग डाल देंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सरसों के दाने ऐड कर देंगे। अब सब कुछ हम अच्छे से क्रैकल होने देंगे। सब कुछ अच्छे से क्रैकल हो जाए उसके बाद हम इसमें आधा चम्मच जितनी हींग डाल देंगे। 1.5 बड़े चम्मच जितनी अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट आप फ्रेश ही यूज़ करें ताकि सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आए। अब इस पेस्ट को हम स्लो फ्लेम पे भूनेंगे ताकि इसमें से कच्चापन चला जाए। अदरक लहसुन की पेस्ट भून जाए इसके बाद हम इसमें प्याज की प्यूरी मिला देंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने मिक्सी में पीसकर प्यूरी बना ली थी। अब इस प्याज की प्यूरी को भी स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हम 5 मिनट तक पकाएंगे। प्याज की प्यूरी बहुत ही अच्छे से भुन गई है तो अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी मिला देंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने मिक्सी में पीसकर प्यूरी बना ली थी। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे। 1.5 चम्मच जितना मैं इसमें नमक डालूंगी, इससे हमारी टमाटर की जो प्यूरी है वो बहुत ही जल्दी कुक हो जाएगी। अब इस टमाटर की प्यूरी को भी हम 5 मिनट तक स्लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। टमाटर की प्यूरी बहुत ही अच्छे से कुक हो गई है और इसमें से तेल भी अलग हो गया है, तो अब हम इसमें भिगोई हुई चना की दाल ऐड कर देंगे। 1/2 कप जितनी चना की दाल को मैंने रात को ही पानी में भिगो दिया था, तो अब ये फुलकर डबल हो गई है, यानी कि 1 कप हो गई है। 5 से 6 घंटे के लिए इसे भिगाना इनफ है। अब इसके ऊपर हम कांच का एक लीड लगा लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे पकाएंगे। ये लीड कुकर के साथ ही आया था, अगर आपके पास इस तरह का कोई लीड ना हो तो आप कोई प्लेट भी ढक सकते हैं। 3 मिनट कुक करने के बाद मैंने लीड हटा लिया है और अब हम इसमें लौकी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम जितने लौकी के पीसेस लिए हैं। लौकी को मैंने अच्छे से छीलकर धोकर उसे इस तरह के मीडियम पीसेस में काट लिया है। तो अब सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें सारे सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1 बड़ा चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच जितना किचन किंग मसाला डालेंगे। यहाँ पे मैं एवरेस्ट का किचन किंग मसाला यूज़ कर रही हूँ। 1.5 बड़े चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच जितनी चीनी डालेंगे। अब सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1.5 कप जितना पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाल दिया है, दूसरा 1/2 कप पानी भी डाल दूंगी। और फिर से इसके ऊपर हम वही कांच का ढक्कन ढक के 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। पानी डालने के तुरंत बाद हम सीटी नहीं लगाएंगे, 2-3 मिनट पकने देंगे, उसके बाद ही कुकर का ढक्कन ढक के सीटी लगाएंगे। 3 मिनट तक सब्जी को मैंने फिर से पकाया है। अब हम कुकर का ढक्कन इसके ऊपर ढक देंगे और 5 सीटी मीडियम फ्लेम पर लगा लेंगे। पाँच सीटी मीडियम फ्लेम पे लगाने के बाद कुकर का ढक्कन खोल लेंगे। मैंने कुकर की जो स्टीम है वो अपने आप ही निकलने दी थी, उसके बाद मैं ये कुकर खोल रही हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लौकी और चना दाल दोनों ही कच्चे रह जाएंगे। यहाँ पे मेरी लौकी और चना दाल दोनों अच्छे से कुक हो गए हैं। लौकी हमें फ्रेश ही लेनी है, अगर लौकी थोड़ी सी भी बासी होगी तो वो पकने में समय ज़्यादा लेती है। अब मैंने इसमें थोड़े से बारीक कटे हुए हरे धनिया डाल दिए हैं। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी लौकी चना दाल की सब्ज़ी बनके तैयार है। इसे एक प्लेट में निकाल के सर्व कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ट्राई करके ये सब्ज़ी बनाएं तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। और जो प्याज टमाटर की ग्रेवी है वो भी हमें एकदम अच्छे से पकानी है, उसके बाद ही हम कुकर की सीटी लगाएंगे, तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है।
फ्रेंड्स, हमारी लौकी चना दाल की सब्जी बनके तैयार है। आप इसे रोटी, पराठे, चावल किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको मेरा यही वीडियो गुजराती में देखना हो तो उसकी भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।